जी कारी साहब, यहाँ 15 साल से त्रिपाल पन्नी पड़ी हुई थी। अब इधर इधर निकलते थे कुत्ता, उधर निकलते थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे तमाम दीनी भाइयों, आज की ये वीडियो बनाने की वजह है कि एक मस्जिद है जो कि लखीमपुर ज़िले में एक करीब यही 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आप लोग ये देख भी सकते हैं। तो वहाँ मस्जिद की तामीर होनी है और ये करीब इस मस्जिद में 15 साल पन्नी लगी रही है इस मस्जिद में, और अब मस्जिद को थोड़ा सा पक्की करने की कोशिश की जा रही है और जो हम लोगों से बन सकेगा इंशाल्लाह करेंगे। और बाकी इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के माध्यम से जितना भी लोग मदद करना चाहें मदद कर सकते हैं। और अभी ये भाई हैं और जो कि ये इन्होंने हमें रिसीव किया है आकर। भाई क्या नाम है भाईजान आपका? मुन्ना सदर। ये मुन्ना अली हैं जो कि मस्जिद के सदर हैं। आप इधर देखिए, इधर देख लीजिए आप। हाँ, तो अब आप बताइए थोड़ा सा मस्जिद के बारे में, कैसा क्या मामला है मस्जिद का? अरे भैया, गरीब बस्ती रहा है और बनाना ना भैया जहन, और बहुत मांग मंजूरी रहते रहे कह के 15 साल हो गए और बनाए बहुत मेहनत कह के, जहाँ तहाँ 2 ईंटें लाइन 50 ईंटें लाइन और बहुत मजबूरी कह के, तब भैया दीवार इकट्ठा कर पान, फिर पन्नी डालने बहुत तकलीफ हो रही है। और जो आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद कह दो भैया तो स्लिप पर जाए और पलस्तर उत्तर हो जाए बढ़िया। भैया अल्लाह पाक सलामत रखे सबका। और बहुत परेशानी के भैया कठिन है, 15-20 साल हो गए आकर, 2-3 ईंटें जा रही थे। ये मस्जिद का रास्ता क्या है, जरा एड्रेस बताएंगे मस्जिद का? नूरी है ना? नहीं, मस्जिद का एड्रेस बताइए कि लखीमपुर में किस जगह पे आपका कौन सा गांव है और क्या एड्रेस है, मतलब अगर कोई आना चाहे मस्जिद तो हाँ तो कैसे आए, मस्जिद का एड्रेस क्या है? पचपुरवा कुरैया लखीमपुर से आना चाहे तो सिंगनिया जाएंगे। सिंगनिया से आएंगे हाँ, तो सीधे कह दो पचपुरवा कुरैया जाएंगे हम हाँ। वो मस्जिद बन रही नहीं हाँ। कहाँ जाना है तुमको? जब तुम बताइयो कि मस्जिद नहीं बन रही तो सोच लो तुरंत सिंगनिया से तुमको यहाँ कुरैया भेज देंगे। अच्छा अच्छा, और आप जो दिन होता तो हम बता देते कि ये रास्ते पे आना हाँ, सही सही। अच्छा दोस्तों देख रहे हैं, काम कर लेते हमको भाई। ये मस्जिद है, ये यही मस्जिद है जिसके लिए हमने आप लोगों को बताया था। और ये मस्जिद है, ये सब सामान पड़ा हुआ है जो मस्जिद में तामीर जो चल रही है, ये सामान पड़ा हुआ है मस्जिद में बना रहे भाई अपना। और ये हमारे मस्जिद के जो मेम्बरान हैं, जो मस्जिद में जो ये हमारे कारी साहब हैं मस्जिद के, और बाकी ये मस्जिद के सदर हैं, बाकी और भी मस्जिद के सभी लोग हैं। और हम इन लोगों से ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये मस्जिद बनाई थी तो क्या क्या इन लोगों को तकलीफ़ें हुई, क्योंकि हम पहली बार जब नमाज़ हम पढ़ने आए थे तो जो जी कारी साहब, यहाँ 15 साल से त्रिपाल पन्नी पड़ी हुई थी। अब इधर इधर निकलते थे कुत्ता, उधर निकलते थे। स्लेब पड़ रही है मस्जिद की, और इससे पहले करीब 15-20 साल बताया कि इसमें झिल्ली पड़ी हुई है। तो क्या मतलब क्या 10-15 साल जब कोई व्यवस्था नहीं हो रहा था जी, कहीं से इमदाद ही नहीं हो रही थी तो कैसे काम हो। लेकिन जब भाई और लोगों से कहा गया, किसी ने 2 ईंटा दे दी, किसी ने 5 दे दी, तो इकट्ठा करते करते कहीं 30 सीमेंट किसी आधी बोरी किसी चले गया, जब 30 जब इकट्ठा कर दी गई तो उसी से काम ले लिया। किसी इस कोने में काम करवा लेते थे, किसी कहीं उधर कहीं वहीं। 5 भाग में बनी है मस्जिद। 5 भाग में जी, 5 भाग में मस्जिद बनाई गई है। चलिए माशाल्लाह, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मस्जिद बनाकर खड़ी कर दी है। बाकी मस्जिद में काम है और भी काम होने हैं, मस्जिद में काफी काम है। अभी कुत्ता भी निकलते हैं, अभी वो दरवाजा भी खुला हुआ है, अभी दरवाजे की तरफ दिखा दीजिए, दरवाजे की तरफ जी दीजिए। तो सब तो ये अभी दरवाजा ईंटें लगाए हुए हैं। आप तमामी हजरातों से गुजारिश है, अगर आज अल्लाह के घर में एक ईंटा लगाएंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा भी घर जन्नत में अता फरमाएगा।
और हजरात यही आप लोगों से गुजारिश है हजरात, ये दौलत सब छोड़ देंगे, बस मौत के दिन केवल यही आमाल ही काम आएगा। तो तमामी हजरातों से गुजारिश है आप हजरात तमामी ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और ये हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ कि तामीर मस्जिद का काम हो जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस मस्जिद का एड्रेस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मस्जिद लखीमपुर खीरी ज़िले में है और लखीमपुर खीरी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा जो कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चाओं में रहा है। और ये लखीमपुर शहर से करीब 12-15 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, इस गांव का नाम पचपुरवा कुरैया है और मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है। और इंशाल्लाह जब ये मस्जिद तैयार हो जाएगी तो उसकी भी वीडियो आप लोगों को डालूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आप लोग इसकी वीडियो देखेंगे। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई चंदा दें और ताकि ये मस्जिद तैयार हो। और ये भाई सदकाए जारिया है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैलाएंगे उसमें भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चंदा देंगे इंशाल्लाह उसमें भी सवाब मिलेगा। और जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे आपके ज़रिए या जितने भी लोग चंदा देंगे इस वीडियो के ज़रिए उसका भी इंशाल्लाह आप लोगों को सवाब मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर दें और भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए भाई मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा। और दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाना चाहता था और अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने अपने YouTube की शुरुआत इस नेक काम से किया। और इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी कामयाबी दे और अल्लाह आप लोगों को भी कामयाबी दे और हम सब लोग खुश रहें, कामयाब रहें इंशाल्लाह। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह गांव के लोगों ने कितनी मेहनत करके मस्जिद की तामीर की है। हमारे यहाँ तो शहर में मोहल्लों में मस्जिदें होती हैं फिर भी हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ने जाते हैं, उन लोगों ने नमाज़ पढ़ने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी परेशानियाँ उठाई हैं। तो अल्लाह उन लोगों को कामयाबी दे और आप लोगों से गुजारिश है कि मस्जिद की तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दें। चंदा देने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें, संपर्क कर लें। भाई एक हदीस का मफहूम है कि जो अल्लाह का बंदा एक तीतर के घोंसले के बराबर मस्जिद में चंदा देता है, मस्जिद की तमीर में हिस्सा लेता है तो अल्लाह उसको जन्नत में मकान अता फरमाते हैं। तो दोस्तों ये सदकाए जारिया है, जब तक इस मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते रहेंगे जब तक इंशाल्लाह ये मस्जिद कायम रहेगी आप लोगों को सवाब मिलता रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भाई मस्जिद में चंदा देना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी मस्जिद में चंदा दें और इसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को सवाब मिलेगा क्योंकि वो लोग आपके ज़रिए चंदा देंगे। और इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और भाई एक और गुजारिश है मेरी तरफ़ से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं एक अच्छी सी वीडियो की तलाश में था कि मतलब मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाना चाहता था जिससे मेरी शुरुआत हो, पहल हो। अल्लाह ने इस नेक काम से मेरे चैनल की शुरुआत की और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी कामयाबी देगा, अल्लाह आप लोगों को भी कामयाब करे और अल्लाह आप लोगों की और हम सब की उस मुल्क की हिफाजत करे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।